वेलकम दोस्तों, आज हम आ चुके हैं कश्मीर ऑफ साउथ इंडिया यरकट में। आज हम घूमेंगे 5 हिल व्यू पॉइंट्स और प्राचीन मंदिर। अभी हम एक हिल के टॉप में ऑलरेडी आ चुके हैं। इधर का व्यू देखिए, पूरा लग रहा है हम लोग कश्मीर में। अभी हम जाएंगे मंदिर, एकदम हिल टॉप में है ये सर्वनारायण मंदिर है ये। इधर में विष्णु के अवतार जो ये जंगल को प्रोटेक्ट करते हैं, ऐसा विश्वास से 2000 सालों से इनकी इधर पूजा होती जा रही है। ये केव के अंदर भगवान विष्णु के अवतार है और इधर अंदर फोटोग्राफी अलाउड नहीं है। अभी हम लोग जस्ट बाजू में हैं सर्वनारायण व्यू पॉइंट, एकदम बाजू में। मंदिर के नाम से ही आप देखिए कितना मेस्मराइजिंग व्यू है। एकदम सुबह का टाइम है, ग्रीन माउंटेन से एकदम बहुत ही रोमांचकर एक एक्सपीरियंस है। आप देख सकते हैं बहुत ही दूर में माउंटेन्स के माउंटेन से और प्लान से पूरा डीप नेचर है, वाइल्ड नेचर है। आप देखिए ये फोटो में लग ही नहीं रहा है, हम लोग यरकट बोल के एक जगह जो कि तमिलनाडु में है, ये पूरा लग रहा है कि वी आर इन कश्मीर। मेरा वाइफ थोड़ा फोटोशूट के लिए पोज कर रहा है, दैट इज़ मेस्मराइजिंग। इधर से हम चलेंगे और एक मंदिर की तरफ। आप देख सकते हैं बहुत ही अच्छा व्यू है। अभी हम जा रहे हैं चक्र महामेरु टेम्पल, ये बहुत ही फेमस टेम्पल इधर का। आप देख सकते हैं इधर हम लोग रास्ते से जा रहे हैं, पूरा जो सनलाइट है वो भी पहुंच नहीं रहा है नीचे। महामेरु टेम्पल जो है ये बहुत ही प्राचीन काल के टेम्पल है, हिंदुइज्म और बुद्धिज्म का मिक्सचर है ये। इधर में आप देख सकते हैं बाहर में आइडल्स है विष्णु और भगवान शिव के, बहुत ही कलरफुल है ये। हम लोग आ गए हैं महामेरु टेम्पल के सामने। अब देखिए बुद्धिस्ट कल्चर टाइप का ये मंदिर है, पर ये हिंदू देवता इधर पूजे जाते हैं। ये मिक्स्ड कल्चर है, आप देख सकते हैं हम लोग आगे जा रहे हैं। बहुत ही क्लीन, बहुत ही नीट एनवायरनमेंट। ये लोटस बुद्धा है इन फ्रंट ऑफ द टेम्पल, ये भी पूजे जाते हैं, बहुत ही फेमस है ये। आप देखिए कितना ग्रीन एनवायरनमेंट है टेम्पल के सामने, बहुत ही अच्छा ठंडा एनवायरनमेंट है, सनशाइन भी है ना, आपको अच्छा लगेगा, पूरा रिवाइव हो जाएगा आपका एनर्जी। हम लोग आगे बढ़ते हैं टेम्पल के अंदर। अभी हम लोग आ चुके हैं मेन टेम्पल के अंदर। आप देख सकते हैं ये गोल्ड फॉयल्स में पूरा ढका हुआ है मंदिर का मेन श्राइन। आप देखिए तमिल स्टाइल में साउथ इंडियन मंदिर है, अंदर में लक्ष्मी माता की मूर्ति है, आरती हो रही है अंदर में। वाह, अभी हम लोग बाहर आ चुके हैं। वही मंदिर के अराउंड बहुत सारे भगवान की मूर्ति है। ये एक फॉरेस्ट टेम्पल है, ये फॉरेस्ट की गॉडेस है पर्णसबरी। अभी हम जा रहे हैं करायदुर व्यू पॉइंट। आपको मालूम है ये वन ऑफ द बेस्ट व्यू पॉइंट्स है यरकट में। अब रास्ता देखिए बहुत ही अच्छा रॉ नेचर है, रास्ता पक्का भी नहीं है, थोड़ा दिक्कत होगा आने में देखिए, पर गवर्नमेंट इधर बहुत अच्छा व्यू पॉइंट बना है कदायूर। अब देखिए सामने पार्क जैसा है और बहुत सारा बटरफ्लाइज है, मेरा वाइफ खेल रहा है बटरफ्लाइज के साथ। ग्रीन, एकदम ग्रीन, बढ़िया जगह है। आपको देख सकते हैं हिल पूरा घिरा हुआ है और प्लांटेशन इतना अच्छा, इतना साफ सुथरा है, बहुत ही अच्छा। बहुत ही बटरफ्लाइज है, बहुत सारे स्पीसीज का बटरफ्लाइज, प्लांट्स, ग्रीन प्लांट्स, रेड प्लांट्स, सब कुछ है। इतना अच्छा प्लांटेशन है, व्यू पॉइंट को भी ये लोग इतना अच्छा मेंटेन किया है, आप देखिए वाओ। अभी हम उठेंगे, उसके पहले आपको जो घिरा हुआ जगह है उधर से आपको थोड़ा सा व्यू देते हैं। देखिए कितना अच्छा व्यू है। अभी मेरा वाइफ थोड़ा सा, हम लोग स्टांस कर रहे हैं, टेरी स्टांस। वाओ कितना ग्रीनरी है, हमारे शहर में तो ग्रीन दिखता नहीं अभी। अभी हम ऊपर उठेंगे सीढ़ियों से। अब देखिए व्यू पॉइंट में कदायूर व्यू पॉइंट, वो
हम आ चुके हैं। कितना वाओ, कितना मेस्मराइजिंग व्यू है। यही है कदायर व्यू पॉइंट। आप देखिए सामने का पूरा माउंटेन्स ग्रीन है, ग्रीन प्लांट्स से, और सामने विलेज और अर्बनाइज्ड घर है। आप देख सकते हैं नीचे में जो सिटी है, पर ये ग्रीन माउंटेन्स में कुछ भी अर्बनाइजेशन का चिन्ह नहीं है। सामने सिर्फ सिटी है, बहुत नीचे, 2 किलोमीटर नीचे। देखिए ग्रीन माउंटेन्स है, बहुत मिस्टिकल एनिमल्स भी इधर रहते हैं। वाओ, हम लोग थोड़ा एंजॉय कर रहे हैं इधर में। बहुत ही ब्लू स्काईज है, वाइट क्लाउड्स है, रॉ नेचर है। इधर आइए और खो जाइए। वाओ, क्या व्यूज है। कश्मीर जाने का पैसा नहीं है तो यरकट में आइए। वाओ, एक्सीलेंट, विश्वास नहीं हो रहा है हम लोग को। अभी एक देखिए, हम लोग एक मिस्टिकल केव भी देखा, अंदर में कोई जानवर रहेगा, हम लोग सामने नहीं गया। वाह, बहुत सारे अननोन जीव जानवर है इधर नेचर के पास। हम लोग थोड़ा जूमिंग जूम आउट कर रहे हैं। आप देख रहे हैं पूरा ग्रीन वैली है, इतना मेस्मराइजिंग व्यू है। अभी हम जा रहे हैं बहुत ही फेमस राजा राजेश्वरी टेम्पल। इंडिया में वन ऑफ द फेमस टेम्पल्स है, माता का राजा राजेश्वरी माता का टेम्पल है। आप देख सकते हैं सीढ़ियाँ हैं, हिल में उठना पड़ता है। महादेव जी का भी इधर छोटा सा एक मूर्ति है। मान्यता है कि इधर में आने पे हर मनोकामना पूरी होती है। आप देख सकते हैं इतना अच्छा गार्डनिंग है, इतना हज़ारों साल पुराना मंदिर में भी इतना अच्छा गार्डनिंग आप देख सकते हैं। ये है माता का मेन मंदिर, अभी बंद है क्योंकि पूजा शाम को या विशेष तिथि में होती है। इसके लिए हम लोग दर्शन करके आशीर्वाद लेके चलते हैं अभी हमारे नेक्स्ट स्पॉट के लिए। अभी हम लोग आए हैं मेनली व्यू पॉइंट्स, ये सम्राट है व्यू पॉइंट्स का, जेंट्स व्यू पॉइंट। आप देखिए जेंट्स व्यू पॉइंट, वन ऑफ द मोस्ट फेमस व्यू पॉइंट से आप देखेंगे यरकट में। ये जेंट्स सीट, लेडीज सीट और चिल्ड्रेन सीट, ये एकदम बाजू में है। आप देख सकते हैं नीचे लेडीज सीट और चिल्ड्रेन सीट व्यू पॉइंट है। एकदम बहुत ही मेस्मराइजिंग व्यूज आपको मिलेगा। थोड़ा अर्बनाइजेशन है इधर में, होटल रिसोर्ट से आपको अभी हम दिखाएंगे। बाजू में इतना दूर में कोहली हिल्स भी है, इतना बढ़िया व्यू पॉइंट है। आप देखिए, आप हैरान हो जाएंगे, इतना अच्छा इधर में आपको आके लगेगा। ये वीडियो से भी आप आँखों से देखेंगे तो इसका ब्यूटी और भी आपको अच्छा लगेगा। आप देखिए ये ग्लास विला है, ग्लास विला बहुत ही फेमस रिसोर्ट है। एकदम हर चीज़ आप देख सकते हैं उधर होटल से ही। इधर देखिए एक नेचुरल लेक, क्वेरीज था, फिर ये नेचुरल लेक बन गया। आप देखिए हम लोग चिल्ड्रेन सीट व्यू पॉइंट से फोटो खींच रहे हैं, इतना पीछे इतना बढ़िया व्यूज़ है। और ये चिल्ड्रेन सीट और जेंट सीट आप देखिए एकदम बाजू में है, और आपको दिखाने जा रहे हैं अभी लेडीज सीट। इतना हवा है इधर में पहाड़ के। अभी हम लोग जा रहे हैं रोज़ गार्डन, ये भी बहुत ही फेमस जगह है। आप देखिए इधर बहुत ग्रीन, और ये एक फॉरेस्ट व्यू आपको दिखेगा। इधर में रोजेस का नर्सरी भी है, बहुत टाइप्स के प्लांट्स भी इधर मिलते हैं। आप देखिए थोड़ा एंजॉय कीजिए, एकदम ग्रीन नेचर है, रॉ नेचर। हिल टॉप आपको लगेगा ही नहीं, लगेगा कि हम लोग नॉर्मल ग्राउंड पे खड़े हैं। आप देखिए कितना ग्रीन एनवायरनमेंट है, आप देखिए कितना कलरफुल फ्लावर्स है। बहुत ही बड़े बड़े पेड़ है इधर में, बहुत कलरफुल और बड़े बड़े पेड़। सनलाइट नीचे आता नहीं है, बहुत ही बड़े पेड़ है। वाओ,
कि बहुत फेमस और बड़े बड़े पेड़ हैं, नॉर्मल ग्राउंड्स में आपको दिखेगा नहीं, हिल टॉप में ही पाए जाते हैं। मैं अभी एक दिन के अंदर से जा रहा हूँ। वाओ, एक्सीलेंट। अभी हम लोग रोज गार्डन के बीचों बीच है। कितना फ्लावर्स, कितना रोजेस, आप देखिए कितना कलरफुल जगह है ये। हेयरकट आइए, और ये वीडियो अच्छा लगा काइंडली सब्सक्राइब टू अवर चैनल, लाइक एंड शेयर द वीडियो। आपका छोटा सा सपोर्ट हमको और आगे लेके जाएगा और वीडियो बनाने में मोटिवेशन मिलेगा। काइंडली सपोर्ट अस, डू लाइक एंड शेयर द वीडियो। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।